दोस्तों सोलर प्लांट लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़मीन, और ज़मीन भी ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल ही बंजर हो, जिसमें कुछ उपजाया ना जा सके। बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाने के लिए इसी प्रकार की ज़मीन का यूज़ किया जाता है। तो और ज़मीन भी ऐसी जगह होनी चाहिए, उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर अच्छी सड़कें हों, क्योंकि जब सोलर प्लांट लगाए जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट भेजे जाते हैं सोलर प्लांट में जो काम करते हैं, तो उसके लिए सड़कें अच्छी होना ज़रूरी है, तभी इक्विपमेंट हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद जो भी ज़मीन डिसाइड हो जाती है कि यहाँ पर प्लांट लगाना है, तो उस ज़मीन का पहले मेज़रमेंट किया जाता है। मेज़रमेंट करने के बाद डाटा निकाला जाता है कि जो प्लांट है, जितना बड़ा हमारा प्लांट लग रहा है, वो ज़मीन उतने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। उसके बाद जो ज़मीन में अगर कहीं पर गड्ढे रह जाते हैं, ज़मीन सही नहीं रहती है, तो उसको पहले प्लेन बनाया जाता है, बिल्कुल प्लेन करके फिर उसके बाद एक डाटा बनाया जाता है, एक ड्राइंग बनाई जाती है पूरे प्लांट की कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगने वाली है। इसके बाद अलग अलग काम के लिए भी ड्राइंग बनाई जाती है, जैसे स्ट्रक्चर लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं तो उसके लिए अलग से ड्राइंग बनाई जाती है, तो वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस प्लांट के बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, यह एक 2.5 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जिसके बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि इसको कैसे इंस्टॉल किया गया है। ये जो प्लांट है इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, इसके स्ट्रक्चर को। तो इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार बांटने का एक मेन कारण है कि इसकी जो केबल डाली जाती है इस SMB से लेके सब स्टेशन तक, तो वो केबल है वो उसके लिए स्पेस हो, बाहर हो, स्ट्रक्चर से बाहर हो। अगर हम ये स्पेस नहीं देंगे तो केबल जब डालेंगे तो वो हमारे स्ट्रक्चर के नीचे आ जाएगी, अगर नीचे आ जाएगी तो भविष्य में कभी केबल हमारी ख़राब होती है तो हम उसको स्ट्रक्चर के नीचे उसको निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए हमें इसको स्पेस रखना पड़ता है केबल डालने के लिए, कि जिससे हम कभी भी केबल ख़राब हो तो उसको आराम से निकाल लें आसानी से, और उसके बाद उसको दूसरी केबल को वहाँ पर डाल दें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसके लिए जो गड्ढे किए जाते हैं उसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। तो ये जो प्लांट है वो 3 पार्टों में बांटा गया है, तो ये जो पार्ट है वो ए ब्लॉक है, तो इसमें बताया गया है कि जो ए ब्लॉक में कितने गड्ढे होने वाले हैं, तो इसमें जो गड्ढे होने वाले हैं वो 708 गड्ढे होने वाले हैं, और बताया गया है कि किस लाइन में कितने गड्ढे होने हैं, तो इसी प्रकार से ड्राइंग इसकी बनाई जाती है, और जो भी गड्ढे करने वाले होते हैं उन्हें ये ड्राइंग दे दी जाती है, और वो क्या करते हैं फिर उसको मार्किंग करके जितने गड्ढे बनाए गए हैं उतने गड्ढे उसमें कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो दूसरा पार्ट है बी ब्लॉक है, इसमें भी बताया गया है कि किस जगह कितने गड्ढे होने हैं, और इसमें जो है वो 672 गड्ढे होने हैं टोटल। तो ड्राइंग में सब कुछ बताया होता है किस लाइन में कितने गड्ढे होने हैं। और ये वाला जो ब्लॉक है वो सी ब्लॉक है, इसमें भी बताया गया है कि इसमें कितने गड्ढे होने वाले हैं, इसमें जो टोटल गड्ढे होने वाले हैं वो 288 गड्ढे होने वाले हैं। तो इसी प्रकार सबकी ड्राइंग बनाई जाती है और इसके ड्राइंग के अनुसार ही इसमें जो गड्ढे किए जाते हैं। तो इसके बाद जो ड्राइंग है वो है स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर को कैसे लगाना है। तो इसमें ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर लगाने के लिए हमारी जो स्ट्रिंग है वो कितनी बड़ी होने वाली है। ये जो प्लांट है उसमें स्ट्रिंग है वो 10 मीटर की है और उसमें 20 मॉड्यूल कनेक्ट होते हैं, तो इसी प्रकार से लगाई जाती है। तो इसमें जो स्ट्रिंग बनने वाली है एक, वो 4 गड्ढे मिला के 4 गड्ढों में एक स्ट्रिंग बनने वाली है। तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि सभी स्ट्रिंग जो है वो इसी प्रकार बनने वाली हैं इस प्लांट में, कि 4 गड्ढे जो हैं उसके लिए जो पोल खड़े होते हैं तो उसमें हमारी एक स्ट्रिंग बनेगी 4 गड्ढों में। तो ये वाला जो एरिया है वो ए वाला एरिया है, और इसमें हमारी जो स्ट्रिंग है उसका ये डाटा है कि किस लाइन में कितनी स्ट्रिंग बनने वाली है। तो इसके बाद जो है वो हमारा बी वाला एरिया है, देखिए ये बी ब्लॉक है, और इसमें बताया गया है कि इसमें कितनी स्ट्रिंग हमारी हैं जो बनने वाली हैं। तो इसमें जो पहले गड्ढे हुए थे तो वो 24-24 गड्ढे हुए थे, तो 24-24 गड्ढे में हमारी जो स्ट्रिंग बनने वाली है वो 6-6 स्ट्रिंग बनने वाली है। तो इसी प्रकार से इसका भी डाटा निकाला जाता है, और सभी जगह फिर जब स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो स्ट्रक्चर को उसी प्रकार से लगाया जाता है कि हमें उसको स्ट्रिंग को कितना लंबा रखना है, कितना बड़ा रखना है। तो इसमें जो कम स्ट्रिंग यूज़ की गई है तो उसका डाटा अलग से निकाला गया है कि इसमें इतनी स्ट्रिंग बननी है, और उस हिसाब से ही इसमें गड्ढे किए गए थे। स्ट्रिंग क्या होता है उसके लिए हम आपको सब कुछ डिटेल में आगे बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसका क्या काम होता है, ये कितना ज़रूरी होता है। तो ये अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा सी वाला ब्लॉक है,
और इसमें जो गड्ढे किए गए थे, जो शुरू की 4 लाइन थी हमारी, उसमें 12-12 गड्ढे किए गए थे, और 12-12 गड्ढे में हमारी 3-3 स्ट्रिंग बनेगी। और उसके बाद जो गड्ढे किए गए थे वो 16-16 गड्ढे किए गए थे, और 16-16 गड्ढे में जो स्ट्रिंग बनने वाली हैं वो 4-4 स्ट्रिंग बनने वाली हैं। जो स्ट्रिंग होता है उसका बहुत ही मेन काम होता है, इसी से हमारा पता चलता है कि डीसी वोल्टेज कितना होने वाला है हमारे प्लांट का, तो सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो ये हम आपको सब कुछ आगे बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद जो ड्राइंग होने वाली है वो कंट्रोल रूम की ड्राइंग होने वाली है। इसमें ये देखा जाता है कि जो कंट्रोल रूम बनाना है उसमें जो जो इक्विपमेंट हमारे लगने हैं उसको किस जगह सेटअप करना है, और उसको सेटअप करने के लिए वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पर देखी जाती हैं। इसको ट्रेंच कहाँ पर बनाना है, हमारा स्केडा कहाँ पर इंस्टॉल होगा, ट्रांसफार्मर कहाँ पर इंस्टॉल होगा, और जो PCU है, ACDV पैनल है, ST पैनल है, वो किस जगह पर इंस्टॉल किए जाने हैं, और वहाँ पर उसको लिए क्या सेटअप हमें करना है। इस प्रकार से इसकी ड्राइंग बनाई जाती है, और जो भी सिविल वर्क करते हैं उन्हें ये ड्राइंग बना के दे दी जाती है, तो उस हिसाब से वो बिल्डिंग को बना देते हैं। उसके बाद इसमें इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। इस वीडियो में हमने सोलर प्लांट की सभी ड्राइंग्स को कवर किया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो गड्ढे किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे लगाया जाता है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।